तो दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक ऐसे खूबसूरत प्लेस में जो कि एक ट्रैक है, और विंटर ट्रैक की बात करूँ तो बेहद ज़्यादा खूबसूरत होता है यहाँ का, और साथ में यहाँ पे है महादेव जी का वास। आपको सीधा ले चलते हैं बिजली महादेव में। बिजली महादेव है हिमाचल के कुल्लू में, और यहाँ तक पहुँचने के रास्ते क्या हैं? तो देखो, कुल्लू तक पहुँचने के मेनली रास्ते दो ही हैं, या फिर आप टैक्सी से आ सकते हैं या फिर आप बस से आ सकते हैं, मींस या फिर अपनी गाड़ी ले लो या फिर आप बस के थ्रू ही आ सकते हैं। और अगर बस की बात करूँ तो ऑर्डिनरी बसेज भी चलती हैं और वॉल्वो भी चलती हैं, दो ऑप्शन है आपके पास। या चंडीगढ़ से आ सकते हैं, आप दिल्ली से, और जो नियरेस्ट आपका रेलवे स्टेशन है वो शिमला है या जोगिंद्रनगर। दोनों रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए हो सके तो चंडीगढ़ तक या फिर दिल्ली तक आप रेल से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं। उसके बाद आपको लेनी पड़ेगी वोल्वो बस। वोल्वो बस का फेयर है दिल्ली से लगभग 900,000 रुपीज़ से लेकर 1500 तक, डिपेंड करता है कौन से सीज़न में आ रहे हैं। अगर मैं अभी की बात करूँ विंटर्स की, तो आपको लगभग 1000 रुपये या 1200 रुपये मैक्सिमम पड़ जाएगा और आप कुल्लू पहुँच जाएंगे। और चंडीगढ़ से बात करें तो ज़्यादा वोल्वोस तो नहीं आती हैं मेन चंडीगढ़ से, क्योंकि वो आएंगी दिल्ली से ही। अगर सीट्स बची होंगी तो भी आपको लगभग 700-800 में पड़ जाएगी चंडीगढ़ से कुल्लू तक का रास्ता। ऑर्डिनरी की बात करें तो वो आपको चंडीगढ़ से लगभग 600 पड़ेगी और दिल्ली से आपको 700 तक पड़ेगी, डिपेंड करता है। ऑर्डिनरी में भी सेमी डिलक्स आती हैं या फिर नॉर्मल वाली आती हैं। कुल्लू पहुँचने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन हैं, या फिर आप बस में जाएं, लोकल बस में, या फिर टैक्सी हायर करें, या फिर कोई बाइक रेंटल सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपने बाइक रेंटल सर्विस करनी है ऑप्ट, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ से जाके आप ऑप्शन देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो बाइक का प्राइस आपको लगभग पर डे का 1000 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा, अगर स्कूटी है तो 600 रुपये में भी मिल जाएगी। अगर टैक्सी की बात करेंगे तो आपसे लगभग 2000 रुपये चार्ज करेगा वो छोड़ने के लिए बिजली महादेव तक। तो मेन बिजली महादेव तक नहीं पहुंचेगी गाड़ी, पहले बता दूं ये ट्रैक है, तो आप इसको एज अ विंटर ट्रैक भी कर सकते हैं, समर ट्रैक कर सकते हैं, या फिर अगर आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं तो आपका ज़रूर है यहाँ पे जाना। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मान लीजिए हिमाचल आ रहे हैं घूमने, खासकर कसोल आ रहे हैं, मनाली आ रहे हैं, तो आप अपनी बकेट लिस्ट में इसको भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप मनाली आ रहे हैं तो बीच रास्ते में पड़ेगा कुल्लू, और कुल्लू जो मेन सिटी है वहीं से आपको 22 से 24 किलोमीटर बिजली महादेव तक का पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको बाइक लेनी है या फिर आप टैक्सी कर सकते हैं या फिर बस ले सकते हैं। अगर सबसे सस्ता चीप वे में जाना है तो वो बस है, जो कि आपको कुल्लू से लेकर कराटे विलेज, जहां तक बस चलती है, कराटे भी नहीं चलती है, उससे थोड़ा नीचे ही चलती है, वहां तक आपको टिकट लगेगी। और टिकट क्या होगी, मैक्सिमम शायद 50 से 80 रुपये होगी टिकट आपकी एक साइड की, तो जो कि आपको वहां तक छोड़ लेगी और उसके बाद होगा ट्रैक स्टार्ट। तो अगर रोड की बात करें तो रोड कंडीशन थोड़ी बुरी है, और एज़ कम्पेयर टू जो कुछ सालों पहले होती थी, उसका रीज़न ये है कि रोड चौड़ा कर रहे हैं, जिसके कारण बीच बीच में काफ़ी गड्ढे पड़ चुके हैं। और कराटे विलेज से थोड़ा सा नीचे लगभग 1 किलोमीटर तक पक्का रोड है, और उसके बाद जो लास्ट का स्ट्रेच है लगभग 1-2 किलोमीटर का, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर आपके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं तभी लेके आना, अदरवाइज़ एक्सट्रीम विंटर्स और बरसात के टाइम पे अपनी गाड़ियाँ नीचे ही रखें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपने गाड़ी ऊपर तक ही ला दी है, जो कराटे है वहाँ तक अगर ला दी है आपने, तो वहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी आपको। मैक्सिमम जो पार्किंग है यहाँ पे वो पेड पार्किंग होगी, और 80 से 100 रुपये आपका पार्किंग का खर्चा आ जाएगा। बट ये है कि यहाँ पे सेफ़ रहेंगी गाड़ियाँ, ज़्यादा कोई तंग करने वाला नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे गाड़ियों को। तो यहाँ से कराटे विलेज से आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमारा जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो चुका है कराटे विलेज से, और जो ट्रैक है उसमें आपको इसी तरह की स्टेयर्स मिलेंगी, और जो ये स्टेयर्स हैं सारी सीमेंटेड हैं, बट जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर पहुंचेंगे वैसे वैसे स्टेयर्स गायब हो जाएंगी, क्योंकि स्नो से ये पूरी तरह से पैक हो जाएंगी। और इस ट्रैक की एक बात बता दूं कि यार, कभी भी याद रखना, जब आप कुल्लू से यहाँ कराटे तक आओगे तो एल्टीट्यूड एकदम से चेंज हो जाएगा, और इसके बाद जब आप ट्रैक करोगे तो भागने का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अगर भागना स्टार्ट करोगे तो आप एकदम से थक जाओगे,
और ऐसे लेट जाओगे। तो दोस्तों जो ये ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा आप अभी देख सकते हैं, आपको व्यू भी दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ का खूबसूरत वाला। और हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं, साथ में कुछ एक पाइन के पेड़ भी हैं, तो दिल आपका खुश होने वाला है इस ट्रैक में। बट यहाँ पे बता दूँ, अगर आप समर में आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बट अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। जैसे आपको एक तो जैकेट्स अच्छी पहननी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप जैकेट सही नहीं पहनोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और ख़ासकर जो टॉप है बिजली महादेव वहाँ पे हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं, तो इसीलिए आपको जैकेट्स अच्छी पहननी है। और दूसरी बात है, हमारी तरह कोई भी ऐसा शॉर्टकट ना लें जैसा हम अभी लेने की ट्राई कर रहे थे, तो क्योंकि यहाँ पे जो अभी स्नो है ये है 2-3 दिन हो चुके हैं स्नोफॉल, उसके बाद मीन्स जब आप एक बार स्नोफॉल होता है उसके बाद अगले दिन धूप खिलेगी तो जितनी भी ये स्नो है ना थोड़ी पिघलेगी और रात को आइस बन जाएगी, तभी देख लो मैं किस तरह फिसल के आ रहा हूँ रोड में। तो ये इतना स्लिपरी रोड है कि गाइस यहाँ पे आप गिरोगे। अगर आप आजकल बिजली महादेव जाओगे और अगर आपके पास शूज़ अच्छे नहीं होंगे तो आप गिरोगे। तो यहाँ पे बता दूँ कि आपको शूज़ कैसे पहनने हैं, तो अगर आपके पास बहुत महंगे शूज़ हैं, ट्रैकिंग शूज़ हैं, तो वो भी काम नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए अगर आप ने आपके पास ज़्यादा शूज़ नहीं है तो 500 के शूज़ मिल जाते हैं हिमाचल में, और ख़ासकर कुल्लू में मिल जाएंगे, जो कि आपके ट्रैक करेंगे और होते भी वो रबड़ की तरह हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, ईजी टू हैंडल। जो मैंने पहने हैं वो 500 के हैं, और जो मेरे साथ वाले ने पहने हैं टोपी वाले ने, देशराज ने, तो वो उसके हज़ारों में हैं, शायद 4-5 हज़ार के शूज़ होंगे, तो बट उसको भी तकलीफ़ हो रही है चलने में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ शूज़ आपके ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, बस ट्राई करें कि जो नीचे सोल हो वो उसमें काफ़ी यू नो डॉट्स हों, और डॉट्स मीन्स उसमें ऐसे उभरे हुए स्ट्रक्चर हों तो ज़्यादा बढ़िया, वो अच्छी ग्रिप देगा। सबसे बड़ा ध्यान यही रखना कि इसमें ध्यान पे चलना भाई, ये बिल्कुल स्लिपरी होता है, मीन्स इस पे बिल्कुल आइस जमी होती है, और अगर यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी तो आप सीधा नीचे जाओगे, तो इसीलिए ध्यान रखना है। और कुछ इस तरह का खूबसूरत ट्रैक होगा ये वाला। तो बस दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं थोड़ा और आगे, तो अभी हम टॉप पे नहीं पहुंचे हैं बिजली महादेव के। तो ये जो जगह है यहाँ पे मेनली ये कैंप साइट होती हैं, जितने भी बिजली महादेव घूमने आते हैं लोग, अगर आपको रात को स्टे करना है तो वो स्टे यहीं पे होगा। और जितने भी आपको ये येलो टेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा, कुछ भी खाना हो आपको सिड्डू मिल जाएंगे, आपको मोमोज मिल जाएंगे, आपको लंच डिनर सब मिल जाएगा, दाल चावल जो होता है नॉर्मली वो मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं, तो आप कहीं पे भी रुक सकते हैं और अपना स्टे कर सकते हैं। स्टे का मैंने पहले भी बताया, लगभग आपको 500-1000 देना पड़ेगा, और विद अगर खाना करना है तो आपको 1200-1500 भी देने पड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बोलूँगा ज़्यादा बार्गेनिंग मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यहाँ पे रहने के लिए और खर्चे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बहुत सारे टेंट्स हैं, मीन्स लगभग अगर आपको 20 टेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी एकोमोडेशन, अगर आप अकेले आए हैं तो भी रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा आए तब भी रह सकते हैं। बट यहाँ पे काफ़ी लोगों का डाउट ये रहेगा कि यार बच्चों के साथ आएँ या नहीं, तो देखो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 5 साल से छोटे बच्चों के साथ आएँ, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, ये ट्रैक बहुत ज़्यादा स्लिपरी, और अगर आप टूरिस्ट हैं तो याद रखना आपको उतना अनुभव नहीं होगा इस ट्रैक पर चलने का, और आपको बहुत ज़्यादा लग सकती है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से आएँ और शूज़ हो सके तो बहुत अच्छे पहने। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बिजली महादेव में, तो हमारा लगभग आधा सफ़र तय हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब जैसे ही पीछे मुड़ेंगे तो आपको दिखाई देगा बिजली महादेव का एक दृश्य। एक छोटी सी गलती और हम डूब जाएंगे इस स्नो में। तो गाइस ये बहुत ही
खूबसूरत मंदिर है भोलेनाथ जी का। और याद रखना, यहाँ पे हर 12 साल के बाद बिजली गिरती है और उसके बाद शिवलिंग खंडित होती है और उसको जोड़ा जाता है किस चीज़ से, मक्खन के साथ। पत्थर की शिवलिंग होती है बट उसको जोड़ा जाता है मक्खन के साथ। तो बहुत ही, मतलब सोच लो यार, हमारे हिमाचलियों का और पूरे इंडिया का आस्था का केंद्र भी है ये बिजली महादेव। और इसके बिल्कुल नीचे बहती है पार्वती, जो कसोल आपने सुना होगा कभी, कसोल तोश से जो रिवर बहती है वो पार्वती रिवर है, और ऊपर बैठे हैं महादेव। जय महाकाल। तो दोस्तों, अगर आपको शिवलिंग के दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको दिसंबर से पहले आना पड़ेगा और मार्च में आना पड़ेगा जब आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। बाकी जो बीच का टाइम हो गया लगभग 3 महीने, उस टाइम तक ये बंद रहता है कपाट, और तब आप शिवलिंग के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो शिवरात्रि के दिन भी खुला रहेगा, तो आप शिवरात्रि के दिन भी आ सकते हैं। और सबसे जो मेन सीज़न है यहाँ आने का, विंटर्स में भी आ सकते हैं अगर आप ट्रैक लवर हैं। और दूसरी बात, अगर सावन के महीने में आप यहाँ आओगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और चारों तरफ आपको ग्रीन ग्रीन माउंटेन ही दिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो बिजली महादेव जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है खूबसूरत वैली से, चाहे वो पार्वती वैली हो चाहे कुल्लू वैली हो, तो बेहद खूबसूरत लगता है बिजली महादेव। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और कौन कौन है जो कि बिजली महादेव विज़िट करना चाहता है या ऑलरेडी कर चुका है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस अब गाइज, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे अब नेक्स्ट खूबसूरत डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे सेफ। बाय बाय।